नागपुर शहर में अपने कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले पुलिस अफसर नागपुर शहर के पूर्व पुलिस अपर आयुक्त डॉक्टर नीलेश भरने के तबादले के बाद उनके जन्म परिसर इंदौरा के नागरिकों ने उनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में डॉक्टर नीलेश भरने, उनकी माताजी, उनके बचपन के दोस्त और बौद्ध भंते नागार्जुन सुरेश ससई और अन्य परिवार के नागरिक भी उपस्थित थे। डॉक्टर नीलेश भरने ये नाम शहर के अपराधियों के लिए एक खौफ का नाम था। उन्होंने कई ब्लाइंड मामलों को सुलझाकर अपने कार्यशैली का परिचय दिया। नागपुर शहर में अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने विविध पदों पर काम किया और अपराधियों के दिल में कार्यकाल के दौर में हमेशा डर बनाए रखा। इसके अलावा भी डॉक्टर नीलेश भरने का एक पहलू और भी है, वो ये है कि डॉक्टर नीलेश भरने एक समाज सेवी भी है। वो हमेशा विद्यार्थियों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। नागपुर शहर के कई विद्यार्थियों को डॉक्टर भरने ने प्रशासनिक सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। कई गरीब बच्चों को मदद की। लॉकडाउन के परिस्थिति में जब सब अपने घर में थे तब नीलेश भरने अपनी ड्यूटी में और ड्यूटी समाप्त कर लोगों की मदद करते दिखाई देते थे। नीलेश भरने का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उत्तर नागपुर के इंदौरा में डॉक्टर नीलेश भरने का परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके पुलिस अफसर बनने के सपनों में कभी गरीबी आड़े नहीं आई और अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने IPS तक का सफर तय किया। डॉक्टर नीलेश भरने का जीवन का सफर आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबा से। मैं SCP म्हणून कोतवालीला पण होतो, अंबाझरीला पण होतो आणि कामठीला पण होतो। माझे वरिष्ठ म्हणून भरने सर झोनपूरला होते, झोनपूर सर, आणि माझा संबंध नेहमी यायचा। SBला पण असताना पण आला आहे आणि झोनपूरला असतानाही आला। एका कांबळे दुहेरी हत्याकांड, रविकांतच्या आईचा जो मर्डर झाला होता त्यानिमित्ताने सुद्धा माझा सरांशी खूप जास्त जवळचा संबंध आला। आणि साहेब इंदोराचे असल्यामुळं मला खूप जास्त अभिमान वाटायचा। जेव्हाही मी त्यांना भेटायला जातो एक कापलेपणा राहायचा। एक अधिकारी माझ्या वरिष्ठ अधिकारी आहे माझ्यापेक्षा, परंतु एक कापलेपणा, आपुलकी, आपल्या समाजाचे एक आपले अधिकारी आणि विशेष करून आपल्या उत्तर नागपुरातले इंदोराचे अधिकारी, त्यामुळं त्याचा त्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान वाटायचा। आणि ते DCP त्यांनी सर्व पद इथे स्वीकारलेलं आहे। नागपूर शहरातले SB विशेष शाखेचे DCP म्हणून, क्राईमचे DCP म्हणून, झोनचे पण राहिले आहेत, ADC CP म्हणून पण राहिले आहेत आणि जॉईंट CP म्हणून आणि CP म्हणून पण राहिले आहेत। पुढे भविष्यात आता सर आणखी जाणार आहेत तिकडे उत्तरांचलला, परंतु आमची सर्वांची अशी इच्छा आहे, संपूर्ण नागपूरकरांची इच्छा आहे की भरणे सर आणखी परत यावे आणि CP म्हणून इथे चार्ज घ्यावा अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे। त्यांनी सर क्या लगता है उनके साथ आपका बचपन रहा हुआ, कैसे बचपन उनके साथ खेले और क्या क्या करते थे बचपन? मैं त्यांच्या बरोबर बैट बॉल खेळायचा। आमच्या शाळेच्या मागे एक शाळा असायची, एक आंब्याची शाळा असायची, आम्ही खेळायचे तिथे। हे माझ्या घरी यायचे, मी त्यांच्या घरी जायचं। परंतु ते लहानपणापासून खूप शार्प होते, टाईम म्हणजे अभ्यासाकडे टाईम देणं, आणखी घरच्याकडे टाईम देणं त्यांच्या, आणखी सोशल खूप होते बचपनपासून, ते खूप सोशल होते। उसमें कुछ ऐसी कोई यादगार होंगी कोई चीज़ें उस समय नीलेश भरने सर कुछ ऐसे कोई बड़ा कुछ काम कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं या कुछ ऐसे कोई याददार होंगे आप लोगों के दोस्तानों में? नहीं, ते म्हणजे कसं कोणत्या कामात खूप जीनियस राहायचे, म्हणजे बॅट बॉल खेळायचे त्यावेळेस पण ते जीनियस राहायचे, म्हणजे काही कामामध्ये ते पूर्ण मन लावून ते काम करायचे। सामने जब उनसे पूछे थे तो उनका कहना था उनको बड़ा कंचे का बड़ा शौक था। हाँ, साथ आपने कंचे खेले? हो, खेलो, लहानपनी खूब खेलो त्यांच्या बरोबर। अभी तक के आज भी उनके संबंध आपके साथ आज भी है क्या? वैसे संबंध है, भाऊ कभी भी फोन लगाते कोई भी चीज़ के लिए कि अमित ऐसा करना है, अमित वैसा करना है। और 4 साल में भाऊ को कोई भी चीज़ के लिए फ़ोन लगाए, भाऊ वहाँ पे वो मैटर हो गया तो भाऊ ने 2 मिनट के अंदर में फ़ोन लगा के उस पर एक्शन लिए। क्या आप एक दोस्त के खातिर एक समाज में कुछ संदेश दे सकते हो लोगों में? यानी आपके दोस्त आज IPS अधिकारी बने और नागपुर में हुए, आज उनका स्वागत उन्हीं के जन्म स्थान पर हुआ है जिसमें आप उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके माँ, सभी दोस्त लोगों को बुलाए थे, कैसा आपको फील हो रहा होगा कि उनके साथ आज बैठे हैं आप?
बचपन के दोस्त हैं? नहीं, भाऊ के ऊपर इतना गर्व है कि भाऊ ने कहीं भी रह के उन्होंने ऐसा काम किया, समाज नहीं से भाऊ एकदम सेकुलर है, उन्होंने हर समाज के लिए काम किया, कोई भी काम हो भाऊ ने सोशल होके काम किया और हर समाज के लिए, पर्टिकुलर हमारे समाज के लिए भाऊ ने मोमेडियन समाज के लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए, इवन गुरुद्वारों के लिए, सब समाज के लिए भाऊ ने काम किया और भाऊ हमेशा तत्पर है कोई भी काम करने के लिए और न्याय देने के लिए। जैसे समाज में बहुत अफसर हुए, बहुत IAS IPS, लेकिन अफसर बन के समाज को भूलना ये एक आदत रही। लेकिन बरने साहब हो गए और से एक मैं जानता हूँ तामगाड़ गए सर, ये लोगों ने जो समाज से ये आए हैं वो समाज के लिए कुछ करना, समाज के युवाओं को सही मार्गदर्शन देके वो भी अच्छी कोई बड़ी पोस्ट हासिल करे, इसलिए उनको मार्गदर्शन करना, उनके लिए प्रयत्न करना, ये सबसे बड़ी खासियत भरने साग में रही है। और कोई भी रिस्पांसिबिलिटी, वो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में भी सारी रिस्पांसिबिलिटीज़ उन्होंने हैंडल किया, कोई भी रिस्पांसिबिलिटी दीजिए उनको, जो ईज से, जो सकुशलता से वो हैंडल करते, वो उनमें बहुत बड़ी खूबी है। ये बहुत बड़ा सम्मान है कि जो अपनी जन्मस्थली है इंदौरा, वहाँ पर जो है एक 4 साल की एक बड़ी जो है कारकिर्द पूरी करने के बाद, जिसमें तमाम तरीके के आह्वान रहे हैं, तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स है, DCP ट्रैफिक क्राइम ब्रांच, DCP जोन, इवन एडिशनल CP, जॉइंट CP, तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ जिसमें कई बड़े आंदोलन, कई मोर्चे, कई अधिवेशन, तो ऐसे करा के वापस से अपने जगह से जो है आज यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद जो विदाई समारोह है, जो है इन्होंने जो है अपने जानने वाले जो बचपन के लोग हैं, इन्होंने तो बहुत इमोशनल वो एक क्षण है, जो पुरानी यादें, बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई, जो साथ खेले हुए दोस्त लोग हैं, साथ जो है बुज़ुर्ग है, पिताजी के दोस्त लोग, पिताजी के दोस्त हमारे रंजीत मेश्राम साहब, मेरे माताजी के जो है बाहू लोकुंडे साहब क्लासमेट, तो उन सब के बीच में जो है आज जो है आज नहीं रहे बाहू लोकुंडे साहब, लेकिन एक अच्छा उनकी याद सबके इसमें इस वजह से जो है आज हो गई इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर आपके दोस्त लोग भी आपके साथ में थे, तो क्या लगा उस समय, पुरानी यादें तेज हुई या उस समय कुछ क्षण याद आया होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल जो है ये इंदौरा एरिया जो है जहाँ पे तमाम कई यादें हैं, कई साल यहाँ गुजरे हैं, मेरे माता पिता भी यहीं रहे, मेरा भी बचपन यहीं गया है, तो पुरानी यादें जरूर ताज़ा हो गई।